हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू व्यू स्पोर्ट मैच रिव्यू इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे यू एफ चैंपियंस लीग का मैच जो कि खेला जाएगा बिटवीन एफसी बार्सिलोना बारसलोना और पोर्टो के बीच में फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि ये एफसी बार्सिलोना के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच होगा काफ़ी ज़रूरी मैच होगा अगर वो ये मैच जीतते हैं तो उनका क्वालिफिकेशन लगभग ही सुनिश्चित हो जाएगा हालांकि फ्रेंड्स अगर हम रिसेंट की बात करें रीसेंट हिस्ट्री की रीसेंट पास्ट की बात करें तो बार्सिलोना ने बिल्कुल भी अच्छी फुटबॉल नहीं खेली है रिजल्ट्स ग्राइंड आउट कर रहे हैं रिजल्ट्स आ नहीं रहे वन नील शाक तार हार गए रायो से नहीं जीत पाए वन वन ड्रॉ के बहुत ही अनकन्विंसिंग परफॉर्मेंस थी अटैक में इनके कोई भी कोहेशन नहीं दिख रहा है इनका पूरा अटैक काफ़ी डिसोरिएंटेड लग रहा है कई सारे प्लेयर्स हैं जो फॉर्म में नहीं है रॉबर्ट लेवेंडोस के प्रॉपरली आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और वो मेन गोल्स को हैं विंगर से उतने कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहे हैं जाओ फिलिक्स का हॉट स्ट्रिक खत्म हो चुका है तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इवन मिडफील्ड में भी काफ़ी थोड़े सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं इंजरी इशूज हैं गावी वगैरह परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय के लिए इनफैक्ट पूरे सीजन के लिए बाहर हैं तो थोड़े से इशूज़ हैं बट स्टिल हमें लगता है कि इस मैच में बार्सिलोना फेवरेट्स होगी स्पेशली एट देयर होम एंड जावी के लिए बहुत ही प्रेशर की सिचुएशन चल रही है एंड उन्हें ये मैच जरूर जीतना पड़ेगा एंड वी फील कि बार्सिलोना इस मैच में वन ने या टू विन पिकअप कर सकती है उनका फुटबॉल बहुत कन्विंसिंग नहीं लग रहा है इस समय बट स्टिल वी स्टिल फील कि इस मैच में यूरोपियन पेडिग्री लेकर बार्सिलोना ये मैच अपना निकाल सकती है इस वीडियो में फ्रेंड्स हम आपको देंगे व्यू स्पोर्ट का बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन और आपको बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स जो आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में टीम बनाने में हेल्प कर सकते हैं इसके साथ ही फ्रेंड्स आप ये कॉन्टेस्ट फैंटेसी अखाड़ा पर खेल सकते हैं जहाँ पर नॉन मेगा कॉन्टेस्ट के लिए कमीशन काफ़ी ज़्यादा लो है और यूएफआर चैंपियंस लीग मैच में आपको ग्रैंड लीग के लिए भी काफ़ी अच्छे कॉन्टेस्ट मिल जाएंगे वन ऑफ द टॉप थ्री फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स है ये कंट्री में जहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है और विनिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो गो एंड चेक आउट द फैंटेसी अखाड़ा ऐप नाउ ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे है ना पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है वहां पे टीम बनाई है आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग सीधे चलते हैं अपने बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन पर फॉर द यूएफए चैंपियंस चैम्पियंस लीग मैच बिटवीन एफसी बार्सिलोना एंड पोर्टो तो फ्रेंड्स अगर हम अपने बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन की बात करें तो हमने चार प्लेयर लिए हैं पोर्टो से सात प्लेयर बार्सिलोना से लिए हमने बार्सिलोना को बैक किया है अब देख सकते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा गोल स्कोरर नहीं लिया क्योंकि वी आर नॉट वेरी श्योर कि कौन इस मैच में गोल स्कोर करेगा क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग बार्सिलोना के लिए गोल्स नहीं आ रहे हैं कन्विंसिंग तरीके से नहीं आ रहे इसलिए हमने चार सेफ डिफेंडर्स के लिए गए हैं हम आपको और भी ऑप्शन बताएंगे बट सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं गोल से डगल डीए को मेरे को हमने लिया गोल पोर्टो से डिएगो कोस्टा फ्रेंड्स काफी हाईली रेटेड गोल है इनका इस मैच में ऑन स्टोर रहना बहुत ज़रूरी होगा इनका डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और फ्रेंड्स इस मैच में टर्स्टेगन नहीं खेलेंगे और इनिया की पेनिया खेलेंगे जो लास्ट मैच में बहुत ही ज़्यादा शेकी लगे थे इनफैक्ट रायो का जो फर्स्ट बैंगर पड़ा था उसमें इनिया के पेनिया काफ़ी लेजी हो गए थे और उन्हें बहुत ही स्लोली रिएक्ट किया था तो इस मैच में उनके लिए बहुत ही ज़रूरी मैच होगा क्योंकि आप जानते हैं वैसे भी टर्स्टेगन फर्स्ट चॉइस कीपर हैं तो पेनिया को अपनी अपॉर्चुनिटीज़ बनानी पड़ेंगी तो आप चाहें तो उन्हें कंसिडर कर सकते हैं बट हमें लगता है कि बार्सिलोना के पास पोजीशन ज़्यादा होगा कौन ज्यादा शॉट्स लेगा वी आर नॉट वेरी श्योर कंसिडरिंग बार्सलोना फॉर्म बट स्टिल हमें लगता है कि इस मैच में अवे गोल कीपर एक बेटर फैटेसी एसेट होंगे अगर आप इनिया की पेनिया को भी लेते हैं तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी फोर मैन डिफेंस की बात करें तो हमने आए नंबर वन चॉइस होंगे जाओ कान नंबर टू चॉइस होंगे रोनल्ड अराहोहो नंबर थ्री चॉइस होंगे यूल्स कुंडे और नंबर फोर चॉइस होंगे अलहद्रो बाल्डे असल में फ्रेंड्स जाओ कंसलो जब बार्सिलोना में आए थे तो काफ़ी हाई रेपुटेशन लेके आए थे बट हालांकि उनका भी रीसेंट के कुछ मैचेस में फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है उनके क्रॉसिंग पर काफ़ी ज़्यादा जाद, डाउट्स आ रहे हैं इसके अलावा फ्रेंड्स वो बहुत ही अच्छी पोजिशन्स में अपने आप को नहीं ला पा रहे हैं और डिफेंसिवली तो हमें पता है कि कॉन्सलो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हो बट ऑफेंसिवली भी उनका थोड़ा सा अटैक कम हो गया है बार्सिलोना के लिए यही होगा कि वो जल्द से जल्द फॉर्म में वापस आए क्योंकि हमें पता है कि जाओ कंसलो कितने क्वालिटी के प्लेयर हैं अगर हम बाकी डिफेंडर्स की बात करें तो द मोस्ट इनफॉर्म डिफेंडर नॉट ओनली इन बार्सिलोना बट द इंटायर वर्ल्ड इस समय वो होंगे रोनल्ड अरोहो डिफेंसिव राइट बैक खेल सकते हैं अटैकिंग राइट बैक खेल सकते हैं नंबर वन सेंटर बैक की तरह के खेलते हैं बार्सिलोना में मस्ट है होंगे आपकी टीम के लिए पासिंग से आपको बहुत अच्छे पॉइंट देंगे एंड हैडर से भी गोल स्कोर कर लेते हैं एंड हमने देखा है कि बार्सिलोना के लास्ट में जब गोल्स नहीं पड़ते हैं तो जावी उनको कभी कभी एक अटैकिंग विंगर की तरह डिप्लॉय करते हैं जो कि हेडर मार सकते हैं तो इस वजह से रोनाल डरा इंपॉर्टेंट होंगे सेम और जूल्स कुंडे काफी पासिस कंप्लीट करेंगे इनकी पासिंग बहुत अच्छी है वन ऑन वन डिफेंसिवली एबिलिटीज़ पे इन पर थोड़े से क्वेश्चन हुए रीसेंटली बट स्टिल ही इज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स इन द वर्ल्ड टैकलिंग इंटरसेप्शन

दूसरे डिफेंडर्स को भी कंसिडर कर सकते हैं जैसे विंडल अगर स्टार्ट करते हैं तो विंडल को भी आप कंसिडर कर सकते हैं अपनी टीम में अगर हम मिड की बात करें तो हमने इल्का गुंडोगान और फ्रेंकी डिजोंग को लिया इल्का गुंडोगान को वाइस कैप्टनसी दी है ही इज डेफिनेटली द बेस्ट प्लेयर जब से वो आए हैं मैन सिटी में उन्होंने बार्सिलोना में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है चांस क्रिएट करते हैं अटैकिंग पोटेंशियल रखते हैं आसिस नंबर्स इनके अच्छे हैं इससे गुंडोगान हमारी टीम में जरूर होंगे एंड सेम वो सब फेंकी डिओग बार्सोना के मोस्ट इनफॉर्म मिड फील्डर है असिस पोटेंशियल बहुत अच्छा है डीप लाइंग ऑर्केस्ट्रेटिंग प्ले मेर की तरह खेलते हैं बहुत ही अच्छे पोटेंशियल है इनका ये आपकी टीम में होंगे आप पेड्री को भी कंसिडर कर सकते हैं जो कि काफी लंबी इंजरी के बाद आ रहे हैं रायो के मैच में उनका गेम बहुत अच्छा नहीं था इनफैक्ट फ्रेंकी का भी गेम बहुत अच्छा नहीं था बट स्टिल हमें लगता है कि ये दोनों वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं एंड ऑन डे कैन ट्रबल एनीवन। अगर आपको पेड्री को लेना है तो आप लाइक बाल्डे को ड्रॉप कर सकते हैं अगर हम बात करें एफ सी पोटो की तो यूस्टाकियो को हमने लिया है जो आपको अटैकिंग और डिफेंसिव पॉइंट्स दोनों देंगे इनके टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स पोर्टो के लिए लीग में काफ़ी अच्छे हैं अटैकिंग थ्रेड भी डिसेंट रखते हैं अगर हम बात करें बाकी दोनों प्लेयर के तो कोसा पेपे जिन्हें अभी रिसेंटली ब्राजील का भी कॉल अप मिला था इनके अटैकिंग नंबर्स आर गुड असिस पोटेंशियल अच्छा है चांस क्रिएशन में टॉप फाइव में आते हैं फॉर एफ पोर्टो और इसके साथ ही साथ इनके डिफेंसिव नंबर्स भी सरप्राइजिंगली अच्छे हैं ये एक बेसिकली एक वर्क रेट प्रोवाइड करने वाले विंगर की तरह काम करते हैं जो डिफेंसिव वर्क रेट भी अच्छा देते हैं गलेनो होंगे मोइली फ्रॉम अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपको चांस क्रिएशन नंबर्स अच्छे दे सकते हैं आप चाहें तो इन्हें ड्रॉप करके सम फॉरवर्ड जैसे कि मेहंदी टरेमी को ले सकते हैं हालांकि फ्रेंड्स मेहंदी टरेमी का यह सीजन बहुत अच्छा नहीं रहा है एंड हमें लगता है कि हमें लगता नहीं कि बार्सिलोना इस मैच में बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स कंसीड करेगी स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ रोनल लराहो उनका डिफेंस काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाता है इस हमने टरेमी को ड्रॉप किया आप चाहें तो थोड़ा सेव जाने के लिए टरेमी को ले सकते हैं इन प्लेस ऑफ समवन लाइक गलेनो या एडवार्डो कोसा सोल स्ट्राइकर फ्रेंड्स हमने रॉबर्ट लोवेंडोसि को लिए और कैप्टेंसी दिए हम लोग क्या श्योर है रॉबर्ट लोवेंडोसी के गोल के लिए वी आर नॉट वेरी श्योर बट आप चाहें तो कैप्टेंसी रोटेट कर सकते हैं ग्रैंड ग्रैंडलिंग में बिटवीन गुंडोगान फ्रिंकी समवर लाइक कॉन्सेलो अरोहो इन सब प्लेयर्स में रोटेट कर सकते हैं स्टिल हमें लगता है कि बार्सिलोना के मोस्ट लाइकली गोल स्कोरर रॉबर्ट लोवेंडोसकी हैं इनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, है इस पास हिस प्राइम नाउ बार्सिलोना के लिए जब तक विक्टर रोके नहीं आते हैं तब तक उनके लिए बहुत ही राहत की सांस कह सकते नहीं होगी एंड वो लोग चाहेंगे कि रॉबर्ट लेवन का पुराना फॉर्म एटलीस्ट थोड़ा सा वापस आए स्पेशली इस मैच में वापस आए क्योंकि उन्हें काफ़ी ज्यादा उम्मीद है इस मैच में आप चाहें तो अपनी टीम में लाइक जाओ फिलिक्स और फेरन टोरेस को कंसिडर कर सकते हैं अगर स्टार्ट करते हैं फेरन टोरेस का फ्रेंड थोड़ा एक्सपेक्टेड कम है कि वो स्टार्ट करें रफीनिया स्टार्ट करेंगे बेसिकली फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये सारे वो ऑप्शन है जिन्होंने अभी रिसेंट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है उस बार के लिए तो कौन एक्जैक्टली गोल स्कोर करेगा इट्स वेरी टफ टू से रफीनिया स्टार्ट करते हैं तो आप उन्हें अपनी टीम में कंसडर कर सकते हैं जूल्स कुंडे की जगह मिडफील्ड स्लॉट

अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा हम आपसे मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस मैच थैंक यू